नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में पहली से दसवीं तक के स्कूल खोलने की हो रही है तैयारी। सूबे में 4 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2022-23 में शामिल होने वाले छात्रों को दिया एक और मौका। 94,000 शिक्षकों की बहाली के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग आज से शुरू। जनता दरबार में अपनी शिकायत कहते ही फूट फूट कर रोने लगा युवक। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। 94,000 शिक्षकों की बहाली के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग आज से शुरू। बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दूसरे चरण की प्रक्रिया 13 अगस्त तक चलेगी। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। साथ ही नियोजन इकाइयों की लापरवाही की शिकायत मिलने पर उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि दूसरे चरण की काउंसलिंग में संशोधित शेड्यूल के अनुसार आज नगर नियोजन इकाइयों में सामाजिक विज्ञान विषय के क्लास 6 से 8 तक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जिला मुख्यालय में हुई है। वहीं अब 4 अगस्त को जिला मुख्यालय में क्लास 6 से 8 तक के शिक्षक पद की काउंसलिंग गणित विज्ञान और भाषा विषयों के लिए होनी है। इस दौरान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को वीडियो रिकॉर्ड भी किया गया है। कल से शुरू होगी इग्नू के जून 2021 की सत्रांत परीक्षा। कोरोना का प्रकोप कम होने के साथ ही परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। इस कड़ी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जून 2021 की सत्रांत परीक्षा कल 3 अगस्त से शुरू हो जाएगी। यह परीक्षा अगले महीने 9 सितंबर तक चलेगी। बता दें कि परीक्षा केवल अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से 4,23,849 योग्य अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड को इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा के लिए 766 केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही जिन अभ्यर्थियों के पास हॉल टिकट नहीं होंगे मगर उनका नाम परीक्षा केंद्र के लिए परीक्षार्थी लिस्ट में होगा तो भी उन्हें परीक्षा देने दिया जाएगा। बताते चले कि बिहार में इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में 11 सेंटर बनाए गए हैं जहां 21,990 परीक्षार्थी भाग लेंगे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर स्थित जेल में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां आधा दर्जन कैदी परीक्षा में शामिल होंगे। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2022-23 में शामिल होने वाले छात्रों को दिया एक और मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मैट्रिक परीक्षा के सत्र 2022-23 में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को एक और मौका मिला है। इसके तहत 9वीं में पढ़ने वाले वैसे छात्र जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब ऐसे छात्र 15 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस क्रम में बीएसईबी के सचिव ने सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। इसके लिए बोर्ड की वेबसाइट पर फॉर्म की कॉपी को अपलोड कर दिया गया है जिसे शिक्षण संस्थानों की तरफ से 9वीं के विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाना होगा, जिसे भर के छात्र छात्राओं को अपने स्कूलों में जमा करना होगा। इस प्रक्रिया के बाद स्कूल के प्रधान उन सभी फॉर्म को मिलाते हुए ऑनलाइन मोड में भरेंगे। बिहार में पहले से 10वीं तक के स्कूल खोलने की हो रही है तैयारी। पिछले साल से ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है, यह हाल इस साल भी दिखा है। मगर कोरोना संक्रमण के मामले अब बिहार में कम होने लगे हैं। ऐसे में अब सरकार पहली से 10वीं तक के स्कूलों को भी खोलने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार इस महीने के दूसरे सप्ताह में क्लास 1 से 10 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोल दिया जाएगा। इस बात की चर्चा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी कर चुके हैं। अनलॉक 5 की गाइडलाइंस में इसको लेकर विस्तार से निर्देश जारी किए जा सकते हैं। संभावना है कि 10 अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे। सूबे में 4 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 4 अगस्त तक सूबे में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मिली जानकारी के मुताबिक आगामी 2 दिनों मंगलवार और बुधवार को राज्य के कुछ हिस्सों में व्यापक स्तर पर वर्षा होगी। आईएमडी के अधिकारियों की माने तो एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बिहार और आसपास के क्षेत्रों में बन रहा है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ रेखा गंगानगर से दक्षिण बिहार होते हुए बंगाल की उत्तर पश्चिम खाड़ी से गुजरने के कारण भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खासकर दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से हवाएं चलने की भी बात कही गई है। इसके अलावा आज भी आईएमडी की तरफ से राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी और वज्रपात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार देगी अनुदान राशि। बिहार के 13 जिलों के किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर से ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा और इस व्यवस्था को बिहार में लागू कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि केंद्र की इस योजना का लाभ बिहार के 13 आकांक्षी जिलों में कृषि यंत्र बैंक बनाने वाले किसान समूहों को मिलेगा। इसके तहत केंद्र सरकार ने 13 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया है जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई, बांका, कटिहार, अररिया, खगड़िया, सीतामढ़ी और पूर्णिया को चुना गया है। इसके तहत ट्रैक्टर की खरीद पर मिलने वाले अनुदान की राशि को
अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए रखी गई है। इन जिलों के किसान समूह को इसका लाभ मिलेगा, जबकि दूसरे किसान वहां के कृषि यंत्र बैंक से सस्ती दरों पर किराए पर ट्रैक्टर ले सकते हैं। पटना के नए बस अड्डे ISBT बैरिया से सभी बसों को खोलने की होगी निगरानी। बीते दिन राजधानी पटना का सबसे पुराना बस स्टैंड मीठापुर बस स्टैंड पूरी तरह से खत्म हो गया और वहां से खुलने वाली कई बसें नवनिर्मित बस अड्डा ISBT बैरिया से खुली। अब सभी बसों को इस नए बस अड्डे से खोलने के लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां चल रही है। साथ ही बस के सभी स्टाफों को ID कार्ड भी दिया जाएगा। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए बाकी बचे कामों को भी पूरा करने की कवायद तेज की जा रही है। बताते चले कि मीठापुर बस स्टैंड के बंद होने के पहले दिन रविवार को नए बस पड़ाव से राज्य के विभिन्न शहरों के लिए 1437 बसों का परिचालन हुआ। वहीं इस दौरान 641 बसों का ISBT में आगमन हुआ और 726 बसें इस टर्मिनल से दूसरे शहरों के लिए रवाना हुई। इसके अलावा यहां से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 70 बसें भी खुली हैं। जनता दरबार में अपनी शिकायत कहते ही फूट कर रोने लगा युवक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीती शाम दिल्ली से लौटने के बाद ही आज सुबह 11 बजे से ही अपने कार्यक्रम जनता दरबार में हाजिरी लगाई। वहीं आज सुबह से ही फरियादियों का हुजूम इस कार्यक्रम में लगा रहा। इस दौरान मुजफ्फरपुर से आया एक युवक राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री के सामने ही जोर जोर से रोने लगा। युवक का कहना था कि उसकी जमीन पर किसी ने कब्जा किया है, जिसके लिए कागज निकलवाने DCLR कार्यालय और निबंधन विभाग में जाने पर 10-10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जाती है। साथ ही अधिकारियों और कर्मियों का कहना है कि बिना पैसे के यहां काम नहीं होता है, जिसके बाद CM नीतीश कुमार ने गुस्सा दिखाते हुए तुरंत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन लगाते हुए मामले को देखने को कहा। पटना में बीती रात की आगलगी में 9 दुकानें जलकर हुई खाक। राजधानी पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के चौराहा के पास रविवार की देर रात को अचानक आग लगने से खासा नुकसान हुआ है। अचानक आग लगने की सूचना से दुकानदारों के बीच अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस थाना में इसकी सूचना दी। इसके बाद थाने की मदद से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। हालांकि आग को बुझाने के तमाम प्रयासों के बाद भी 9 दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इस घटना में फल सब्जी सलोन अंडा मिठाई की दुकान सहित फास्ट फूड की छोटी मोटी दुकान चलाने वाले लोगों को हानि हुई है, जिसके बाद वे लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में भारत की महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम को 1-0 से हराते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। आपको बताते चले कि भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब टीम ने ओलंपिक गेम में सेमीफाइनल तक पहुंची है। इस जीत का जश्न देश भर में मनाया जा रहा है, तो वहीं जीत की नायिका रही विमेंस पावर को बधाइयों देने वालों की फहरिस्त लगी है। इस जीत पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है, पहली बार हम सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, 130 करोड़ लोग देश की महिला हॉकी टीम के साथ है। तो वहीं किरण रिजिजू ने इसे भारत के सपने को सच होने जैसा बताया है। जातीय जनगणना को लेकर CM नीतीश प्रधानमंत्री को लिखेंगे चिट्ठी। बिहार में भाजपा के विरोध के बावजूद राज्य सरकार में उसकी सहयोगी पार्टी जदयू की तरफ से जातीय जनगणना का समर्थन हो रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक पत्र के माध्यम से अपनी बात को प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखने वाले हैं। ये बातें उन्होंने बीते दिन दिल्ली से पटना लौटने के बाद पत्रकारों से एयरपोर्ट पर कही है। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर जनगणना को लेकर राज्य से एक प्रस्ताव पारित करके पहले ही केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है, उस पर पुनर्विचार करने को लेकर वह PM मोदी से मांग करेंगे। बताते चले कि बिहार में जाति के आधार पर जनगणना करने को लेकर तमाम विपक्षी पार्टी के साथ ही जदयू पार्टी भी मांग कर रही है। हालांकि NDA की सहयोगी दल BJP इस मुद्दे पर सहमति नहीं दिखा रही है। RJD ने जदयू पर कुशवाहा समाज की उपेक्षा करने का लगाया आरोप। जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर उठे तमाम चर्चाओं के बीच आखिरकार जदयू ने मुंगेर से लोकसभा सांसद और नीतीश कुमार की भरोसेमंद नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। वह इस बीच उपेंद्र कुशवाहा के नाम की भी चर्चा हो रही थी, जिसे लेकर विपक्षी पार्टी RJD अब कुशवाहा समाज पर दाव खेल रही है। बीते दिन राजद के प्रधान महासचिव आलोक मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जदयू ने कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया और मंच पर उन्हें जगह भी नहीं दी। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के कारण कुशवाहा समाज खुद को छला हुआ महसूस कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू का दामन थामकर समाज को गुमराह किया है। अगर कुशवाहा समाज राजद के साथ एकजुट हो जाए तो उन्हें व्यापक हिस्सेदारी मिलेगी।
मुकेश सहनी के बागी तेवर पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दिया बयान। बिहार की एनडीए सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी के इन दिनों बागी तेवर दिख रहे हैं। इस बीच वे लगातार एनडीए सरकार में उनकी उपेक्षा किए जाने को लेकर बयान दे रहे हैं और खासकर बीजेपी को टारगेट करते देखे जा रहे हैं। वहीं यूपी में उन्हें एयरपोर्ट से रोके जाने के विवाद पर सहनी ने कहा था कि यूपी के मुख्यमंत्री या नेता को बिहार नहीं आने दिया जाएगा। इन सब के बीच अब बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मुकेश सहनी के तीखे तेवरों पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी मंत्री हैं, मंत्रिमंडल नहीं। बिहार सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और या फिर अन्य कोई नेता बिहार में प्रवेश नहीं कर सकते। यूपी का कोई नेता यदि बिहार आता है तो उसे रोक नहीं सकता है। युवराज सिंह के फ्रेंडशिप डे वीडियो पर धोनी के फैंस भड़क उठे। बीते दिन फ्रेंडशिप डे के मौके पर आम व खास लोगों ने अलग अलग तरह से इस दिन को सेलिब्रेट किया। इस बीच क्रिकेटर्स भी इससे अछूते नहीं रहे। वीरेंद्र सहवाग ने कृष्ण जी और सुदामा की तस्वीर को शेयर करते हुए फ्रेंडशिप डे की बधाई दी। तो वहीं युवराज सिंह ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें भारत के कुछ पूर्व और वर्तमान दोनों खिलाड़ी शामिल थे। हालांकि अब इस वीडियो को लेकर काफी विवाद भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स युवराज को ट्रोल करने लगे। दरअसल इस वीडियो में कहीं भी भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नजर नहीं आए। इसी वजह से लोगों ने युवराज को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार मुख्यमंत्री के जनता दरबार में शिकायत करने से राज्य के सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार में कमी आएगी या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।